एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 16, बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। इसमें देखिए ये देखना है कि क्या क्या गिवेन है आपका। बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड, माने ये नंबर जो गिवेन है 9 होल 4/5, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 42, कि मतलब उसका जो मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट कितना आ जाए उसका, 42 आ जाए, ये समझना है। तो ये इसका मतलब ये वन नंबर गिवन है और जो अदर नंबर जिसे मल्टीप्लाई करना है वो निकालना है आपको, वो निकालना है, अदर नंबर आपको निकालना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना वो आपको निकालना है, अदर नंबर निकालना है, और ये वन नंबर गिवेन है और मल्टीप्लाइड किससे मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 42, कि माने 42 आ जाते, इसका मतलब प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है। तो यहां क्या क्या गिवन है उसको राइट करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, माने ये नंबर किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये वन नंबर गिवन है, क्या नंबर गिवन है, वन नंबर, वन नंबर गिवन है 9 होल 4/5, ये वन नंबर गिवन है टू गेट 42, माने ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी गिवन है, टू नंबर्स इक्वल टू गिवन है 42 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के माने इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना आ जाए 42 आ जाए, तो इसका मतलब ये नंबर हो गया और जो दूसरा नंबर होगा टू नंबर्स हो जाएंगे उनका मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवेन है 42, वन नंबर गिवेन है इतना, अदर नंबर आपको फाइंड करना है कि जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो अदर नंबर कैसे निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अदर नंबर इक्वल जो प्रोडक्ट आपका 42 है तो 42 को डिवाइड करेंगे किससे, वन नंबर से, तो 9 होल 4/5 इक्वल 42 डिवाइडेड बाई, अब इसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 5 जा 45 और 45 में 4 प्लस करेंगे तो 49/5। अब इसमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो 42 इसको अपान में 1 राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पलट जाएगा नंबर, 4/5 कितना है 5/5, कितना नीचे है डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो 5/49 भाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/49। अब देखिए कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये 7 से 49 और 7 से 42 कैंसिल हो रहा है, तो 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42। अब कोई कैंसिल हो नहीं रहा तो अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 5 जा 30, तो ये आ गया 30/1 7 जा 7, 30/7 न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 7 से 30 को डिवाइड करें, तो 7 से 30 को डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 माइनस किया 2 आ गया, 30 में 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 4 कोशेंट आ गया, तो इसका मतलब होल नंबर हो गया 4, जो रिमाइंडर 2 है वो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो 4 होल 2/7 इज द आंसर, माने ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना था वही अदर नंबर था, तो अदर नंबर इज द आंसर।